हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सर्वेइंग की पिछली क्लास में हमने विभिन्न प्रकार की जरीबें, दैट इज टाइप्स ऑफ चेन्स, के बारे में अध्ययन किया था और हमने देखा था कि जरीबें कितने प्रकार की होती है एवं उनकी बनावट किस प्रकार होती है, उनकी संरचना कैसी होती है। उनके बारे में कुछ तथ्य हमने जाने थे। हमने विभिन्न प्रकार की जरीबों के बारे में पढ़ा था। शुरुआत में मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी जरीब सर्वेक्षण किया जाता है तो जरीब के साथ साथ कुछ अन्य उपकरण भी सहायक रूप से कार्य में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो अकेले जरीब से ही आप ये कार्य नहीं कर सकते, आपको जरीब के साथ साथ कुछ ऐसे उपकरण होते हैं जिनकी सहायता लेनी पड़ती है। तो शुरुआत में करूंगा टूल्स यूज्ड इन चेन सर्वेइंग, जरीब सर्वेक्षण में प्रयोग होने वाले उपकरणों से। पहला जरीब है, जिसमें मैंने आपको तीन प्रकार की विभिन्न जरीबें बताई थी। पहली इंजीनियर्स चेन, जो कि इंजीनियरिंग जरीब कहलाती है, एमकेएस प्रणाली में यह मापन करती है। 100 कड़ियाँ इस जरीब में होती हैं एवं यह 20 एवं 30 मीटर की विभिन्न लंबाइयों में मार्केट में उपलब्ध होती हैं। दूसरी हमारे पास है गंटर्स जरीब, जिसे हम गंटर जरीब कहते हैं। यह एफपीएस प्रणाली में मापन करती है क्योंकि इसकी मापन इकाई फीट होती है। यह 33 फीट लंबी होती है एवं इसमें 100 कड़ियाँ होती हैं। उसी तरह राजस्व जरीब, दैट इज रेवेन्यू चेन, भी एफपीएस प्रणाली में मापन करती है, जिसकी लंबाई 33 फीट एवं इस जरीब में 16 कड़ियाँ होती हैं। ठीक है, बात करते हैं सुओं के बारे में, दैट इज एरो। आप यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम में, यहाँ पर एक एरो दिखाया गया है। ठीक है, जिसकी कुल लंबाई ऊपरी सिरे से निचले सिरे तक 400 मिलीमीटर यानी 40 सेंटीमीटर तक हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा यह एरो यानी सुआ भी 4 mm व्यास के तार से बनाया जाता है एवं एरो के यानी सुए का ऊपरी हैंडल का जो व्यास है वो 50 मिलीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर के बराबर होता है। एरो यानी सुओं का प्रयोग टेम्पररी मार्किंग यानी टेम्पररी रूप से किसी बिंदु को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है पेग्स। ठीक है, पेग्स को हम हिंदी में खूंटियाँ कहते हैं। इनका प्रयोग किसी भी स्टेशन बिंदु की परमानेंट मार्किंग एवं टेम्पररी मार्किंग दोनों के लिए किया जा सकता है। यह बेलनाकार अथवा क्यूबॉइडल रूप की लकड़ी से काटकर बनाया जाता है, जिसकी चौड़ाई एवं मोटाई 5 सेंटीमीटर एवं कुल लंबाई 40 से 60 सेंटीमीटर के बीच होती है। यह एक ओर से नुकीला होता है, जिससे कि इसको पृथ्वी की सतह पर आसानी से दबाया जा सके। इसके बाद हमारे पास आते हैं आरेखण दंड, जिन्हें हम रेंजिंग रॉड कहते हैं। ठीक है, आरेखण दंड की सहायता से हम पृथ्वी की सतह पर विभिन्न स्टेशन बिंदुओं को एक सीध में साधने के लिए इनका प्रयोग करते हैं, यानी अर्थ के सरफेस पर वेरियस स्टेशन पॉइंट्स को अलाइनमेंट करने के लिए, उनको अलाइन करने के लिए, एक स्ट्रेट लाइन में अलाइन करने के लिए हम रेंजिंग रॉड यानी आरेखण दंड का प्रयोग करते हैं। रेंजिंग रॉड 2 से 3 मीटर की विभिन्न लंबाइयों में मार्केट में उपलब्ध होता है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई 2 से 3 मीटर एवं इसमें लाल अथवा काले एवं सफेद रंग की पट्टियां होती हैं, जिनकी लंबाई 10-10 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, पहले 10 सेंटीमीटर की लाल पट्टी, फिर 10 सेंटीमीटर की सफेद पट्टी, इसी तरह से अल्टरनेट रंगों की पट्टियाँ इसमें होती हैं। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इसका कारण क्या है, इस पूरी की पूरी आरेखण दंड को किसी सिंगल यानी एक समान रंग से क्यों नहीं पोता गया। तो इसका कारण है कि जब कभी हमें दूर स्थित, अधिक दूरी पर स्थित बिंदुओं का आरेखण करना हो, तो ऐसे में किसी एक सॉलिड रंग का यदि आरेखण दंड है तो वह मिराज की स्थिति उत्पन्न करता है, यानी आप अपनी आंखों से फोकस नहीं कर पाते, जिस वजह से आरेखण का कार्य में त्रुटि आ जाती है। इसी के लिए आपके दृष्टि के कंट्रास्ट को बढ़ाने के लिए, यानी ताकि आपको विभिन्न आरेखण दंड अधिक दूरी से भी साफ साफ दिखें, इसके लिए इसमें ये अल्टरनेट रंग की पट्टियाँ दी जाती हैं। उसके बाद हमारे पास है ओपन क्रॉस स्टाफ, जिसे हम हिंदी में खुली गुनिया कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ऑफसेट रॉड अथवा आरेखण दंड में इस गुनिया को रख करके हम किसी सीधी रेखा पर खसका यानी ऑफसेट रेखा खींच सकते हैं। ओपन क्रॉस स्टाफ से केवल 90 डिग्री के कोण पर ही आप खसके खींच सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस ओपन क्रॉस स्टाफ का निचला हिस्सा
एक कप के आकार का है जिसको रेंजिंग रॉड के सिरे पर रखा जाता है एवं इस रेंजिंग रॉड को हमारी सीधी रेखा के उस बिंदु पर रखा जाएगा जिस बिंदु पर हमें खसका यानी ऑफसेट डालना है। इसके लिए आपको मैं एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए एक सीधी रेखा है हमारे पास ए बी, ठीक है। इस रेखा ए बी पर मान लीजिए बिल्कुल मिड पॉइंट पर यानी मध्य बिंदु पर हमें एक खसका डालना है जिसकी लंबाई 2 मीटर की है, ठीक है। यह एक अभिलंब खसका है जिसको हम परपेंडिकुलर ऑफसेट कहते हैं, इसका 90 डिग्री का एंगल है। तो यह कार्य करने के लिए रेंजिंग रॉड को रेंजिंग रॉड के ऊपरी सिरे पर खुली गुनिया को रख करके इस बिंदु पर रेंजिंग रॉड को दबाया जाएगा एवं गुनिया की सहायता से सी की दिशा में यानी सी बिंदु की दिशा में एक और आरेखण दंड रख करके हम फीते की सहायता से या फिर लाइन धागे लाइन डोरी की सहायता से इस खसके को फीते की सहायता से नापकर चिन्हित कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह खुली गुनिया की सहायता से हम किसी सीधी रेखा पर अभिलंब खसका दैट इज परपेंडिकुलर ऑफसेट डालने का कार्य करते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑफसेट रॉड होती है, ठीक है ना। अभी जो मैंने आपको खसके डालने की विधि समझाई, इस विधि के लिए हम आरेखण दंड की जगह आरेखण दंड जैसी ही दिखने वाली एक और छड़ जिसे हम आरेखण अभिलंब दंड कहते हैं या अभिलंब छड़ कहते हैं, इस छड़ का प्रयोग करते हैं। यह ऑफसेट रॉड यानी अभिलंब दंड जो है यह खास खसकों को डालने के लिए बनाया जाता है। इसकी लंबाई भी 2 से 3 मीटर तक हो सकती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास होता है सर्वेयर्स बॉब या फिर प्लम बॉब जिसे हम साहुल भी कहते हैं, ठीक है। साहुल की सहायता से हम किसी भी उपकरण के ऊर्ध्वाधर अक्ष को किसी स्टेशन पॉइंट पर यानी भूमिगत बिंदु पर उसको संरेखित करने के लिए या उसको केंद्रित करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा चिनाई करते समय मिस्त्री दीवार की ऊर्ध्वाधरता को चेक करने के लिए यानी वर्टिकैलिटी को चेक करने के लिए साहुल का प्रयोग करते हैं, लेकिन वह साहुल त्रिकोण आकार का होता है, कोनिकल शेप का होता है। यहाँ पर जो आपको साहुल दिखाया गया है यह नुकीला होता है एक छोर से। इस साहुल की सहायता से हम किसी भी उपकरण के ऊर्ध्वाधर अक्ष को भूमि पर स्थित किसी भी बिंदु पर केंद्रित करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसे इंग्लिश में कहा जाए तो इस प्लम बॉब की सहायता से हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वर्टिकल एक्सिस को ग्राउंड के किसी भी पॉइंट पर उसकी सेंटरिंग करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। हो सकता है अभी आपको मेरी बातें समझ में ना आ रही हों, लेकिन जब कभी आप क्लास में आएंगे मैं आपको प्रैक्टिकल कराऊंगा उस समय आप इसका सही उपयोग समझ पाएंगे। फिलहाल आपको यह ध्यान रखना है कि प्लम बॉब का सर्वेक्षण के क्षेत्र में केंद्रण करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी सेंटरिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो मैं सभी बच्चों से अनुरोध करूंगा कि इस पूरे के पूरे पीडीएफ को अपनी क्लास नोटबुक में कॉपी कर लें और मंडे या ट्यूसडे को आपको सबमिट कराने के लिए कहा जाएगा नोट्स, तो आपकी नोटबुक में ये सारे नोट्स होने चाहिए। अगले आने वाले लेक्चर्स तक के लिए धन्यवाद।